प्यारे बच्चों, आप सभी का इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से आज आपके समक्ष कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण का भाग 4 लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आपने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का अध्ययन कर लिया है। भाग 3 में हमने द्रव्य के अवस्था परिवर्तन यानी ठोस द्रव गैस का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन का अध्ययन किया और साथ ही साथ गलनांक क्वथनांक का दाब के साथ परिवर्तन को देखा और समझा। बच्चों, हमने ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु का अध्ययन किया और गुप्त ऊष्मा क्या होती है इसको जाना और समझा। वहाँ पर हमने देखा कि अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित करता है या तो बहिष्कृत करता है। बच्चों, इसी क्रम में आज हम द्रव्य के तापीय गुण भाग 4 में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय ऊष्मा चालकता का अध्ययन करेंगे। और बच्चों, अध्ययन करते हुए आप देखेंगे कि किस प्रकार जो दैनिक जीवन के विभिन्न उदाहरण हैं उसको आप समझ सकेंगे और व्याख्या कर सकेंगे। जैसे कि क्यों खाना बनाने वाले बर्तन के पेदी का जो विलेपन होता है वो तांबे से किया जा सकता है, क्यों खाना बनाने वाले बर्तन का जो हैंडल होता है उसमें ऊष्मारोधी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, और क्यों कंक्रीट के जो मकान हैं वो गर्मी के दिनों में काफ़ी गर्म हो जाते हैं, तप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, निश्चित ही यदि आप इस भाग को देखेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको इन उदाहरणों और भी जो भी व्यवहारिक उदाहरण है ऊष्मा चालकता से संबंधित उसको आप समझ सकेंगे और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम देख लें कि आज के हमारे चर्चा के बिंदु क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम ऊष्मा चालकता और ऊष्मीय प्रतिरोध का अध्ययन करेंगे। उसके बाद श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर, संपर्क तल का ताप तथा तुल्य ऊष्मा चालकता का ज्ञात करेंगे, उसका परिकलन करेंगे। उसके पश्चात समांतर क्रम में जुड़े दो चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होती है तथा तुल्य ऊष्मा चालकता क्या होगी इसकी हम गणना करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। तो आइए हम आज का जो हमारा टॉपिक है ऊष्मा चालकता उसको देखें कि क्या होता है ऊष्मा चालकता। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी धातु या कोई भी सुचालक जो छड़ है उसको गर्म करते हैं उसके एक सिरे को, तो ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाह करती है, अर्थात दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। उसमें जो स्थानांतरण होता है ऊष्मा का वो चालन विधि द्वारा होता है। मान लीजिए ये कोई छड़ है और इस छड़ को हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे ये सेक्शंस जो परिच्छेद हैं उससे मिलकर ये बनी हुई है, और जब हम इसके एक सिरे को गर्म करेंगे तो इसके पास का जो परिच्छेद होगा इससे ऊष्मा प्राप्त करेगा और अवशोषित करके अपना ताप बढ़ाएगा। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक परिच्छेद अपने पिछले परिच्छेद से ऊष्मा को प्राप्त करके उसके कुछ भाग को अवशोषित करके अपना ताप को बढ़ाएगा, और कुछ भाग जो हैं वो क्या होंगे कि संवहन और विकिरण के द्वारा वो परिवेश को चले जाएंगे, और बाकी जो शेष भाग है उसको वो अगले परिच्छेद को ट्रांसफर करेगा। इसी प्रकार जो ये परिच्छेद है ये अपने पिछले परिच्छेद से ऊष्मा को प्राप्त करके कुछ भाग उसको अवशोषित करके अपने ताप को बढ़ाएगा और कुछ भाग संवहन तथा विकिरण द्वारा परिवेश को चले जाएंगे, और फिर ये उस ऊष्मा के कुछ भाग को अगले परिच्छेद को देगा। इस प्रक्रिया से जो ऊष्मा का प्रवाह था वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक होगा। बच्चों, जैसे जैसे हम इसको ऊष्मा देते जाएं तो क्या होगा कि प्रत्येक परिच्छेद का ताप बढ़ता जाता है। इस अवस्था को परिवर्ती अवस्था या वेरिएबल स्टेट कहते हैं। जब ऊष्मा देने पर क्या होता है कि छड़ के प्रत्येक परिच्छेद का ताप समय के साथ बढ़ता है तो उस अवस्था को हम परिवर्ती अवस्था या वेरिएबल स्टेट कहते हैं। यदि इस छड़ को लगातार गर्म किया जाए तो एक अवस्था ऐसी प्राप्त होगी कि ये प्रत्येक परिच्छेद अब ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं, तो उस अवस्था को अस्थायी अवस्था या अचर अवस्था या स्टेडी स्टेट कहते हैं। उस अवस्था में प्रत्येक परिच्छेद का ताप नियत होता है। लेकिन बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा कि
अस्थाई अवस्था का ये मतलब नहीं है कि पूरे चालक का ताप समान हो, जी नहीं, इस अस्थाई अवस्था का ये मतलब है कि प्रत्येक परिच्छेद का जो उनका ताप है वो नियत रहता है। और इस अवस्था में जो भी उष्मा यहाँ पे दी जाएगी एक सिरे पे, और हम कुछ उष्मारोधी पदार्थ से अगर इस छड़ को हम कवर कर दें, उसके उष्मारोधी पदार्थ लगा दें, तो क्या होगा, उष्मा अब पार्श्व द्वारा संवहन और विकिरण के द्वारा परिवेश में नहीं जाएगी। तो अस्थाई अवस्था में जो भी उष्मा इसके एक सिरे को दी जाएगी वो दूसरे सिरे पे हमें प्राप्त होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ से उष्मा प्रवाह की दर h है तो यहाँ पे भी उष्मा प्रवाह की दर h होगी। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कि उष्मा चालकता क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई छड़ है जिसकी लंबाई एल है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उसको सोर्स और सिंक से जोड़ा गया है उस छड़ को, ये जो उष्मा स्रोत है, और इस जो सोर्स है इसका ताप टीसी है, और ये इससे लगातार इस छड़ को एक नियत दर पे उष्मा यहाँ से प्रवाह हो रही है और वो यहाँ से सिंक में पहुँचेगी। तो बच्चों यदि आदर्श केस की हम बात करें जिसमें छड़ को उष्मारोधी पदार्थ से कवर किया गया है, तो अगर यहाँ पे जो भी उष्मा आएगी एक सिरे पे दी जाएगी वो दूसरे सिरे पे प्राप्त होगी। तो अस्थाई अवस्था में प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि उष्मा प्रवाह की दर जो होती है h, वो इन दोनों सिरों के तापांतर, मान लीजिए एक ये सिरे पे ताप टीसी है और इस सिरे पे टीडी है, तो इसके तापांतर के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी सी माइनस टीडी। और ये जो उष्मा प्रवाह की दर है वो छड़ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी ए के भी प्रोपोर्शनल होगा। इसी प्रकार ये उष्मा प्रवाह की दर छड़ की लंबाई एल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। और इन तीनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी सी माइनस टी डी अपॉन एल। और यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट प्रयुक्त होता है, हम लिख सकते हैं एच इजकल टू के इंटू ए टी सी माइनस टी डी डिवाइडेड बाई एल। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम k से डिनोट जो कर रहे हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम उष्मा चालकता कहते हैं। और इस उष्मा चालकता का जो SI मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति केल्विन अथवा वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन होता है। बच्चों हमने उष्मा प्रवाह की दर देखा कि k इंटू ए टी सी माइनस टी डी अपान एल, यहाँ से हम k लिख सकते हैं h l अपान ए टी सी माइनस टी डी। यदि l बराबर 1 मीटर हो, a बराबर हो 1 मीटर स्क्वायर और टी सी माइनस टी डी ये हो 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस हो, अर्थात जो तापांतर एकांक हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा वो h। और इससे हम उष्मा चालकता को डिफाइन करते हैं कि किसी पदार्थ का उष्मा चालकता उष्मा की वह मात्रा है जो अस्थाई अवस्था में उस पदार्थ की 1 मीटर लंबी तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की छड़ में 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है, जबकि छड़ के दोनों सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो तथा उष्मा का स्थानांतरण छड़ के सिरों के लंबवत हो। के का यानी कि उष्मा चालकता का SI मात्रक जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन अथवा वाट पर मीटर पर केल्विन होता है। बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ पदार्थों की उष्मा चालकताएं दी गई हैं, आप टेबल से देख सकते हैं कि जो धातुएं हैं, ये देखिए धातुओं के केस में उष्मा चालकता क्या होती है, ये अधिक दिख रही है। अधातुओं के केस में उष्मा चालकता की वैल्यू कम है और गैस के केस में भी उष्मा चालकता की वैल्यू बहुत कम है। आप यहां से तांबे का उष्मा चालकता देख सकते हैं कि 385 जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति केल्विन होता है। और चूंकि तांबा, इसका मतलब
इसकी ऊष्मा चालकता अधिक है, इसमें ऊष्मा स्थानांतरण बड़ा अच्छे से होगा, इसमें जो चालन विधि से ऊष्मा का संचरण बहुत ही तीव्रता से होगा, इसलिए जो खाने बनाने के बर्तन होते हैं उसमें कॉपर का विलेपन किया जाता है। कंक्रीट की बात कर रहे हैं, उसकी भी ऊष्मा चालकता धातुओं की तुलना में बहुत कम है, लेकिन इतनी है कि गर्मियों में जो हमारे कंक्रीट के मकान बने होते हैं ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। बच्चों, आपने वैद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा है, आपने देखा कि अधि वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आवेश का प्रवाह होता है। तो हम वहाँ पे वैद्युत प्रतिरोध लिखते थे R=V/I। इसी प्रकार जब दो भिन्न भिन्न निकायों में उस तापांतर होता है और संपर्क में रखे जाते हैं तो एक निकाय से दूसरे निकाय में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, या एक ही छड़ है उसमें उसका एक भाग उच्च ताप पे है, दूसरा भाग निम्न ताप है, तो तापांतर के कारण उसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो यहाँ से हम ऊष्मीय प्रतिरोध लिखते हैं कि तापांतर और जो ऊष्मा प्रवाह की दर है उसके अनुपात को ऊष्मीय प्रतिरोध R कहते हैं, और ये R=2 हो जाएगा T1-T2/H, और ये हो जाएगा L/K×A, ये होता है ऊष्मीय प्रतिरोध। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिस पदार्थ की ऊष्मा चालकता ज़्यादा होती है उसका ऊष्मीय प्रतिरोध कम होगा, और जिस पदार्थ की ऊष्मा चालकता कम होगी उसका ऊष्मीय प्रतिरोध अधिक होगा। बच्चों, आइए हम देखते हैं कि यदि कोई दो चालक हैं और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, और संपर्क तल का अर्थात जहाँ पे वो दोनों छड़ जुड़े हैं वहाँ पे तल का ताप क्या होगा तथा तुल्य ऊष्मा चालकता क्या होगी। तो इसके लिए हम दो छड़ लेते हैं, जैसे चित्र में देखिए, ये ब्लू कलर से एक बना है और एक ग्रीन कलर का छड़ है। तो मान लीजिए हम दो छड़ लेते हैं जिसमें एक की लंबाई L1 है, दूसरे की लंबाई L2 है, और दोनों छड़ों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी कि ये A, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया A बराबर है। अस्थाई अवस्था में उसमें ऊष्मा प्रवाहित की जा रही है इस सिरे से दूसरे सिरे पे, तो अगर दोनों छड़ को जोड़ दिया गया है तो पहले छड़ के खुले पृष्ठ का ताप T1 है, और माना कि दूसरे पृष्ठ के खुले पृष्ठ का ताप T2 है, और संपर्क में जो ये ताप है T0 है। तो ऊष्मा इधर से आप देखिए, यहाँ पे जो ये छड़ है वन से होके दूसरे में प्रवाहित होती है, तो इसका टेम्परेचर T1 जो होगा वो T2 से अधिक होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, H=2 इस पहले छड़ के लिए K1A T1-T0/L1, ये उसमें प्रवाह की दर होगी, ऊष्मा प्रवाह की दर। और दूसरे छड़ के लिए हम लिख सकते हैं, चूंकि ऊष्मा जो ऊष्मा इधर से जाएगी वही दूसरे से निकलेगी, दूसरे छड़ में भी जाएगी, इसलिए दोनों के लिए ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर होगी, इसलिए हम बराबर लिख सकते हैं T0-T2/L2। अब यहाँ से देखिए दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं K1 का अगर ब्रैकेट में गुणा करें K1T1-K1T0/L1=2, यहाँ से देखिए तो K2T0-K2T2/L2। अब इसका ऐसे हम तिर्यक गुणा कर दें तो हम लिख सकते हैं K1T1L2-K1T0L2=K2T0L1-K2T2L1। अब T0 को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक पास, तो हम लिख सकते हैं K1T1L2+K2T2L1=K2L1
डी जीरो प्लस इधर से ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा पक्षांतर करने पे के वन टी जीरो एल टू। अब हम देखिए, अब यहाँ से हम उधर से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टी जीरो, अगर कॉमन कर ले टी जीरो तो अंदर क्या हो जाएगा के वन एल टू प्लस के टू एल वन इक्वल टू के वन टी वन एल टू प्लस के टू टी टू एल वन। तो यहाँ से हम टी जीरो लिख सकते हैं, ये आएगा के वन टी वन एल टू प्लस के टू टी टू एल वन डिवाइडेड बाई के वन एल टू प्लस के टू एल वन। ये देखिए, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो रहा है कि टी जीरो इजकल टू के वन टी वन एल टू प्लस के टू टी टू एल वन अपान के वन एल टू प्लस के टू एल वन। अब यदि L1 L2 L के बराबर हो जाए, मतलब ये दोनों जो लंबाइयां हैं बराबर हो जाएं, हम इसमें L2 L1 के जगह पे हम L लिखेंगे और जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो संपर्क तल का ताप हो जाएगा वो होगा T0 इक्वल टू K1 T1 प्लस K2 T2 अपान K1 प्लस K2। बच्चों आइए हम देखते हैं कि ये जो संयुक्त चालक है उसमें ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, अर्थात संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, इसको जानने के लिए हम इस इक्वेशन में किसी एक उसमें हम ये टी जीरो जो संपर्क तल का ताप है उसको रखते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा एच इजकल टू के वन ए टी वन माइनस टी जीरो अपान L1। यहाँ से H इजकल टू K1 A अपॉन L1 और इसमें T1 माइनस और T0 की ये वैल्यू पुट कर देते हैं K1 L L2 T1 प्लस K2 T2 L1 डिवाइडेड बाय K1 L2 प्लस के टू एल वन। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है के वन ए अपॉन एल वन और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा के वन एल टू टी वन प्लस के टू एल वन टी वन। फिर यहाँ से माइनस के वन एल टू टी वन और माइनस K2 T2 L1 डिवाइडेड बाय K1 L2 प्लस K2 L1। अब यहाँ पे देख लीजिए K1 L2 T1, यहाँ पे K1 L2 T1 ये प्लस है और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं यहां से देखिए। अब आप लिख सकते हैं H इजकल टू के वन ए अपान एल वन के टू एल वन टी वन माइनस के टू टी टू एल वन अपान के वन एल टू प्लस के टू एल वन। अब यहाँ से देखिए एल वन और के टू, यहाँ पे भी एल वन और के टू है, दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं हम एच इजकल टू के वन के टू एल वन ए अपान एल वन टी वन माइनस टी टू अपान K1 L2 प्लस K2 L1। अब यहाँ से आप देखिए कि L1 से L1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा T A
T1 माइनस T2 अपान K1 L2 अपान K1 K2 प्लस K2 L1 अपान K1 K2। और इसको जब हम देखें यहाँ से K1 से K1 कैंसिल, K2 से K2 कैंसिल और यहाँ से आ जाता है इक्वल टू A T1 माइनस T2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। अब हम देखते हैं कि तुल्य ऊष्मा चालकता क्या होगी। अभी हमने ऊष्मा प्रवाह की दर H इक्वल टू निकाला था A T1 माइनस T2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। अब मान लीजिए तुल्य ऊष्मा चालकता K है और इसकी लेंथ क्या हो गई L1 प्लस L2, तो उस केस में ऊष्मा प्रवाह की दर हम लिख सकते हैं H इक्वल टू A K इंटू A T1 माइनस T2। मतलब यहाँ से जब ये हम मान लें कि अब चालक की लंबाई L1 प्लस L2 हो गई तो उस केस में जो ऊष्मा प्रवाह की दर होगी ये होगी। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन में हम तुलना करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि K अपान L1 प्लस L2 इक्वल टू 1 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। अब यहाँ से आप देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से K इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। यदि विभिन्न लंबाई के यन चालक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब तुल्य ऊष्मा चालकता K इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस -LN अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 प्लस L3 अपान K3 प्लस सो ऑन LN अपान KN। बच्चों आइए देखते हैं संयुक्त चालक का तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होगा। मान लीजिए पहले चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध R1 है तथा दूसरे चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध R2 है तो पहले चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी H इक्वल टू K1 A T1 माइनस T0 अपान L1। यहाँ से हम देखिए लिख सकते हैं T1 माइनस T0 L1 अपान H इक्वल टू L1 अपान K1 A इक्वल टू R1, क्योंकि तापांतर और ऊष्मा प्रवाह की दर का जो अनुपात होता है वही ऊष्मीय प्रतिरोध होता है। इसीलिए दूसरे चालक के लिए जो ऊष्मा प्रवाह की दर होगी H इक्वल टू K2 A T0 माइनस T2 अपान L2 और ये हो जाएगी T0 माइनस T2 अपान H इक्वल टू L2 अपान K2 A इक्वल टू R2। बच्चों जब यहाँ से देखिए इस समीकरण को यहाँ से लिख सकते हैं R1 इक्वल टू T1 माइनस T0 अपान H और यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 2 से आप देखिए तो लिख सकते हैं R2 इक्वल टू T0 माइनस T2 अपान H। अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ दें तो R1 प्लस R2 इक्वल टू होगा T1 माइनस T0 अपान H प्लस T0 माइनस T2 अपान H और जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपान H। अगर यहाँ से देखिए तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध R हो और कोई अगर चालक है जिसके सिरों का तापांतर T1 और T2 है और ऊष्मा प्रवाह की दर H है, इसका तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध R हो तो हम इसको लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपान H इक्वल टू R। कहने का अर्थ है यहाँ से लिख सकते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 और ये सेम उसी प्रकार है जैसा कि वैद्युत परिपथ में जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 आता है। समांतर क्रम में हम जुड़े दो चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर तथा तुल्य ऊष्मा चालकता का अध्ययन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक छड़ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और दूसरा छड़ है ये जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। मान लीजिए ये छड़ 1 है और ये है 2, तो इसमें ऊष्मा प्रवाह की दर H1 है और दूसरे छड़ में ऊष्मा प्रवाह की दर H2 है और इनके खुले सिरे के ताप T1 और T2 हैं, जहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2
और इन दोनों छड़ की लंबाई समान है। तो हम पहले चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर लिख सकते हैं H1 इक्वल टू K1 A1 T1 माइनस T2 बाई L। ये जो ऊष्मा प्रवाह की जो हम आपको बता दिए दर क्या होता है उस वहाँ से। फिर दूसरे चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर हो जाएगी H2 इक्वल टू K2 A2 T1 माइनस T2 अपन L। तो संयुक्त चालक में जैसे इसमें H1 ऊष्मा प्रवाहित हो रही है और इसके थ्रू ऊष्मा प्रवाह की दर H2 है, तो दोनों में जो छड़ के जो कंबाइंड जो छड़ होगा उसमें ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, वो होगी H और H इक्वल टू हो जाएगा H1 प्लस H2। अर्थात हम H को लिख सकते हैं H1 प्लस H2 और ये हो जाएगा K1 A1 T1 माइनस T2 अपान L प्लस K2 A2 T1 माइनस T2 अपान L, चूंकि लेंथ सेम है हम इसको लिख सकते हैं, अगर कॉमन कर दें T1 माइनस T2 ये कॉमन कर दें तो हम लिख सकते हैं K1 A1 अपान L प्लस K2 A2 अपान L। तो जो ऊष्मा प्रवाह की दर हमें ये प्राप्त होगी। अगर यहाँ से ऊष्मीय प्रतिरोध पहले चालक का R1 हो और दूसरे चालक का R2 हो तो हम इस इक्वेशन से R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपान H1 और ये हो जाएगा L अपान K1 A1। इसी प्रकार हम यहाँ से लिख सकते हैं अगर दूसरे चालक है उसके उसमें प्रतिरोध R2 है तो R2 इक्वल टू लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपान H2 और ये हो जाएगा L अपान K2 A2। और इसमें इक्वेशन में आप पुट करिए तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा H इक्वल टू T1 माइनस T2 और ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पुट करिए यहाँ से वैल्यू तो देखिए 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। और यहाँ से हम लिख सकते हैं H अपान T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। और ये T1 माइनस T2 बाई H क्या हो सकता है, अगर तुल्य उसमें प्रतिरोध R है तो हम यहाँ से लिख देंगे कि ये हो जाएगा 1/R, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये जो हमारा इक्वेशन प्राप्त होता है कि समांतर क्रम में जुड़े दो चालकों का तुल्य उसमें प्रतिरोध होगा वो होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब समांतर क्रम में जुड़े दो चालकों का तुल्य उसमें चालकता क्या होगा, अभी हमने देखा था वहाँ पे तुल्य जो ऊष्मा प्रवाह की दर प्राप्त हुई थी वो हुआ था T1 माइनस T2 K1 A1 अपान L प्लस K2 A2 अपान L। अगर हम उस पूरे उसको फिगर को हम ध्यान दें तो अगर तुल्य उसमें चालकता K है तो हम लिख सकते हैं H इक्वल टू K इंटू ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगी A1 प्लस A2 इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। यहाँ से अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो K की वैल्यू यहाँ से देखिए K A1 प्लस A2 और ये हो जाएगी बराबर K1 A1 प्लस K2 A2 के। और यहाँ से K की वैल्यू जो आएगी यहाँ से प्राप्त होगा K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। ये हमें प्राप्त होता है समांतर क्रम में दो जुड़े दो चालकों का जो तुल्य उसमें चालकता है। इसी प्रकार यदि समांतर क्रम में जुड़े दो चालकों की लंबाई समान होने के साथ साथ अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A1 और A2 समान हो तो K इक्वल टू K1 प्लस K2 अपान 2 होगा।
बच्चों आशा करते हैं कि आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा, उष्मा चालकता क्या होती है ये समझ गए होंगे और उससे संबंधित जो भी दैनिक उदाहरण है आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं आप। तो अगर आप समझ गए हैं तो ये होमवर्क नोट कर लीजिए, इसको घर पे करिएगा और इससे संबंधित जो भी आपके टेक्स्ट बुक में होगा उसको भी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको कृष का विकिरण, न्यूटन्स का शीतलन नियम के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।